तब जाके छोड़ा ना, गाली छोड़ दे। ये बोल रहे? अरे वाह यार, ये मेरे सब्सक्राइबर हैं यार, छोटे छोटे। आज सुबह सुबह जैसे ही बाहर निकले तो बाहर का माहौल कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। सामने है माता रानी का सुंदर सा प्यारा सा मंदिर, जिसमें भाई अभी लाइट दिखाई दे रही है। और दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से, और सुबह सुबह के टाइम पे देखिए मस्त चिड़ियों की चहचहाहट है। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरा नाम है देशबंधु भोगड़ा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। दोस्तों, पहाड़ों में आज की मौसम की बात करें तो ये देखिए भाई, मौसम फुल्ली कवर्ड है, पूरे आसमान में भाई बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत बड़ी सुबह सुबह हो रही है, सुबह के अभी सिर्फ 6 बज रहे हैं और मैं सुबह लगभग 5 बजे के आसपास उठ गया था, वीडियो एडिटिंग वगैरह करी, थंबनेल वगैरह बनाया और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने वीडियो को अपलोड करने पे लगा रखा है। आज सुबह सुबह उठने का कारण ये था कि आज मैं और रश्मि वापस जा रहे हैं देहरादून में। आज हम ऋषिकेश में जाएंगे ज्योति लोगों के घर पे, तो ज्योति ऋषिकेश आ रखी है अपने घर पे, उनके घर पे जाएंगे, उससे मुलाकात करेंगे। बाकी चलिए अभी फटाफट मुँह हाथ धो लेते हैं। 7:30-8 बजे के आसपास ऋषिकेश वाली बस आती है कमत से, उस पर ही हम जाएंगे। नीचे चलते हैं, देखते हैं रश्मि ने भाई चाय वगैरह बना दी होगी, लाइट अभी खुली है। तो चलिए दोस्तों, बढ़िया से नहाना धोना हो गया है और हमारी तैयारी हो गई है भाई देहरादून जाने की। और अभी सुबह के 7 बज गए हैं, तो नाश्ता वगैरह कर लेते हैं और फिर निकलते हैं भाई यहाँ से देहरादून की तरफ। तो चलिए भाई, सुबह सुबह के टाइम पे नाश्ता बन के हमारा तैयार हो गया। किस चीज़ का नाश्ता बन रखा जी मैडम जी? आलू शिमला मिर्च की सब्जी, रोटी है और चाय है जी। एक आध रोटी खा लेते हैं सुबह सुबह के नाश्ते में और फिर चलते हैं। फिर चलते हैं कहाँ? चलिए दोस्तों, रोड पे अभी हम आ गए हैं और सास बहू का भाई यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल सीन चल रहा है। मेरे को ये ऐसे अड़का रहे, तेरे को बोल कोई मतलब नहीं, मेरे को तो भाई हंसी आ रही, अब क्या बोले। बाकी दोस्तों, आपसे भाई थोड़ी देर में ना बस भी आने वाली है और अपने भाई इस खूबसूरत से गांव को छोड़ के हम जाने वाले हैं ऋषिकेश और ऋषिकेश से देहरादून। भाई अपने गांव को छोड़ के तो वैसे कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन भाई कुछ मजबूरियाँ होती है नौकरी के चक्कर में, इस पापी पेट के लिए भाई जाना भी पड़ता है। अब टकासी आई, हमने बस पे जाना है साहब। तो चलिए दोस्तों, फाइनली भाई हमारी बस आ गई है ऋषिकेश हरिद्वार चंबा वाले, तो इस पर बैठ के जाएंगे। ठीक है भाई साहब, हैं ओके, बाय बाय हैं। ये रखें, ये आटे जी। हाँ चलो साहब, सामान वगैरह डाल दें। चलो साहब, चलो साहब, ये मेहमान भाई, बढ़िया भाई। ₹510 दे दो साहब, ₹510। मेरे पे नहीं है। चलिए दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं लमगांव बाजार में। लमगांव में 10 से 15 मिनट तक बस रुक जाती है और इस बीच भाई जितने भी यात्री लोग हैं चाय वगैरह पी लेते हैं। ठीक है, क्या ये हमारे बचपन के दोस्त हैं मेहनवाल भाई, बड़े दिनों बाद मिले। और तो आज वीडियो ऑन है। तो चलिए दोस्तों, बड़े दिनों के बाद भाई मेहनपाल भाई मिले हैं यहाँ पे। हम दोनों भाई बचपन के दोस्त भी हैं और साथ में हम पढ़े भी हैं, अच्छा लगा भाई को मिल के। तो क्या हाल चाल है मेहनपाल भाई? बस बढ़िया भाई, बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो आज मेहनपाल भाई भी ऋषिकेश में जा रहे हैं, तो हम भाई दोनों एक ही बस में हैं, साथ में ही सफर कर रहे हैं और अभी यहाँ पे दोनों भाई हम चाय का मजा ले रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़िया से भाई चाय वाय पी ली है और निकलते हैं भाई अब अपनी बस पे, अब बैठ जाते हैं गाड़ी पे। चलो साहब है, चलिए दोस्तों, एक और स्टॉप पे हमारी बस यहाँ पे रुक गई है सेलू पानी में और यहाँ पे है ग्रीन चिल्ली रेस्टोरेंट है भाई यहाँ पे, तो यहीं पे अक्सर भाई बस रुकती है। कैसा रहा भाई आपका सफर यहाँ तक का? परसों भी यहीं पे रुकी थी, परसों हमने परांठे खाए थे, आज क्या खाया जाए यार? अभी देखा जाएगा थोड़ा सा है, अभी थोड़ा सा सर्वे करते हैं अंदर क्या अच्छा बन रहा है, थोड़ा कस्टमर लोगों को पूछते हैं है क्या अच्छा बन रहा है। हमारे दोस्त भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं, होले होले। चलो 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 साहब,
भाई हमने यहाँ पे मैगी ऑर्डर करी रश्मि मैडम की डिमांड पे। बाकी आपने मैनपाल भाई तो भाई खूब मजे ले रहे हैं। मटर पनीर है क्या? पनीर शाही पनीर शाही पनीर और रोटी खा रहे खूब दबा के। वैसे हमने सुबह नाश्ता करा इसलिए यहाँ पे भाई हल्का फुल्का ही चल रहा है। दोस्तों फाइनली भाई हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश नटराज के पास में और यहां से जाना है भाई हमने ज्योति लोगों के घर पे घुमाने वाला में और यहां से मिलेगा हमें टेम्पू। गर्मी इतनी ज्यादा होने लगी अभी से, क्या ही बोले, खतरनाक वाली गर्मी पड़ रही भाई। अभी से इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही तो सोचो आप भाई मई जून में क्या हाल होंगे। टाइम पे लगता है भाई कि अपना पहाड़ी ठीक है। मैं तो भाई मई जून में अपना झोला तुमड़ा लेके चले जाऊंगा पहाड़ में। इस वाले टेम्पू में हम बैठ गए हैं, रश्मि मैडम बैठ गई है टेम्पू पे। ये देखो तो कपूर फोरम में हम पहुंच गए हैं भाई और गर्मी का हाल तो आप देखो, स्वेटर वगैरह सब उतार दिए हैं साहब मैंने, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। मेरे को लग रहा है ये तो ज्योति है, अभी नजदीक आने दो पता चल जाएगा कौन है। जय हो, मैं बोला मैं ये कौन है, दूर से तो दिखाई नहीं दे रही, ज्योति है ये कौन है? प्रणाम प्रणाम, बस 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 ठीक है। भाभी वहाँ से ले रही कुछ चुटर पुटर, क्या गर्मी हो रही है भाई तुम्हारे इधर। यहाँ पे तक तो आए हम टेम्पो तक भाई। ज्योति आ गई आधे रास्ते तक, हमारा काम हल्का हो गया। तो फाइनली वे पहुंच गए हैं ज्योति लोगों के घर पे और भाई गर्मी से मैं सच बताऊं तो बहुत ज्यादा बुरे हाल हो रहे हैं। रास्ते में तो ब्लॉग बनाने का मन भी कर रहा था। आपके क्या हाल है? गर्म हो रहा है। बाकी आरती भी यहाँ पे है भाई, आ रखी। वाह ये कौन है भाई यहाँ, ये कौन है? हेलो, ये देखो फोन पे चिपकी हुई भाई, जिन भी बच्चों को देखो फोन पे, ये भी फोन पे। नमस्ते करो भाई मामा को। ये आरती ने दोनों बेटे को बिगाड़ दिया है। ये नमस्ते छोड़ो, फोन देखना दोनों के पास फोन है भाई। भाई बच्चों को इतनी ज्यादा गलत आदत पड़ गई, जहाँ भी देखो ना बच्चों के पास फोन जरूर मिलेगा। भाई आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, बच्चों के पास ना फोन कम ही दिया करो आप। और माँ बाप पता क्या करते हैं, कुछ भी काम करवाना हो, कुछ भी उनसे काम निकलवाना हो ना, तो बच्चों को सीधे फोन सौंप देते हैं। इसके चक्कर में ना बच्चों को गलत आदत पड़ गई, अगर बच्चों को चुप भी कराना हो तो फोन ही दे देते हैं। ऐसे व्यस्त हो रखे फोन में। ये देखो दोनों, हाई करो, हाई करो, हाई करो, जरा नाम बता दो, हाई करो। पहले ये मुंह उधर करिए। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है आपका? आओ म्याओ। तो दोस्तों अभी दिन के 2:30 बज गए हैं और यहाँ पर देखिए भाई ज्योति ने बढ़िया सा हमारे लिए दिन का लंच बना दिया। और ये देखो पहली बार रश्मि भाई ज्योति लोगों के घर पे आई है तो इसे भाई ये अभी टीका लगा रही है। तो ये भाई पहाड़ी रीति रिवाज है हमारे, मुझे भी लगाना है। आप जोड़े के साथ पहली बार आए ना, आपकी जोड़ी ऐसी सलामत है। इसने मेरे को ये पैसे दे दिए। यहाँ पे देखिए भाई ज्योति ना दाल है, रायता है और मटर पनीर है, चावल है और यहाँ पर ये ककड़ी वगैरह भी है सैलेड में। तो चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति का। और ये देखो महारानी को देखो, खाना भी ऐसी खाया, सब कुछ ऐसी कर रही भाई, ये बिना फोन के इसको कुछ काम नहीं चलता। तो चलिए दोस्तों अभी अच्छे से वही दिन का खाना एंजॉय करते हैं यहाँ पे और शाम को सोचते हैं कि देहरादून जाएं या ना जाएं, घूमने जाएं या फिर कहाँ जाएं। अभी शाम का ही प्लान बनाएंगे। वैसे ना भाई ऋषिकेश में गर्मी बहुत ज्यादा होने लग गई, कहीं भी दिन में घूमने का मन नहीं करता ऋषिकेश में। इनका टेस्टी टेस्टी लंच करने के बाद अभी थोड़ी देर आराम करा और अभी देखिए शाम के 4:30 बज गए हैं। लंच करने के बाद भाई ऐसी नींद पड़ी, कब इतना टाइम हो गया पता ही नहीं चला। बाकी भाई ज्योति लोग बाहर पे बैठे हुए हैं। हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सारे लोग सोए थे कि सब खड़े थे? थोड़ा बहुत सोए थे। और ये देखो भाई यहाँ पे इनको देखो, अभी जाके इन्होंने अपना फोन छोड़ा है, अभी दोनों के पास चॉकलेट है तब जाके छोड़ा होगा इन्होंने फोन, तब जाके छोड़ा ना। आपने कब छोड़ा? कल ही छोड़ा। कल कैसे छोड़ बेटा? आज आप कल छोड़ दिया, फोन भी चलाओगे? ये कौन है बेटा? अच्छा मैं मामू हूँ तो ये कौन है? ये मामी जी हैं। मैं मामा जी हूँ तो ये मामी जी हैं। कहाँ से लाए मामा जी इनको? कहाँ से लाए इनको? यहीं से तो लाए ऋषिकेश से, आपके बगल से। हाँ यहीं से। अब देखिए जी शाम के टाइम पे ज्योति भाई हमारे लिए बढ़िया सी चाय बना के ला दे।
अब बढ़िया है कि नहीं है ये तो पीने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा क्योंकि इसमें अदरक है। अदरक होने से स्वाद अच्छा होता है। तो ये देखो भाई खूब खातिरदारी हो रही है हमारी। मेरे तो क्या होगी भाई, इसकी हो रही खातिरदारी। मैं तो यहाँ आते रहता जाते रहता हूँ, ये पहली बार आई साहब। आरुषि आप भी पियोगी चाय? चाय तो चलिए दोस्तों, शाम के भाई 6:30 बज गए हैं और चाय वाय पी ली है अच्छे से, खाना पीना भी खा लिया बढ़िया से, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी हो गए हैं। और अभी हम सोच रहे हैं कि भाई यहाँ से सीधे देहरादून चला जाए, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम पे ना थोड़ा सा लेट भी हो जाती है और उठने का मन नहीं करता है धर्मपत्नी जी का मेरा ने, इसलिए भाई हम अभी निकल रहे हैं। क्यों बाय बाय पियो बाय 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 आरू उसमें देख रही हो कैसे गौर से। ठीक है साहब तब हैं, ओके ओके। और देखो भाई जरा ज्योति लोगों की गली में बड़ी ही रौनक है, बच्चों की बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं शाम के टाइम पे। क्या नाम है आपका? शिवांश जी। हेलो, देख रही है सच में? सच में बहुत बढ़िया यार, सच में सच बोल रहे या झूठ बोल रहे? सच बोल रहे। अरे वाह यार, ये मेरे सब्सक्राइबर हैं यार, छोटे छोटे। ओके बेटा बाय बाय, खेलो। देखो भाई छोटे छोटे सब्सक्राइबरों से मिलके भाई बड़ी खुशी होती है जब कोई ऐसा बोलता है, खास तौर से छोटा बच्चा, कि मैंने आपकी वीडियो देखी है। अलग ही खुशी होती है साहब।